ये दूसरे राउंड में मीठी मीठी चिकड़ी का रसा स्वादन करेंगे। और भैया कहना है क्या? शाम को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन बहुत ही शांति से इस प्रोग्राम में आपने आनंद लिया है। सुनेंगे कभी लिख रहा है दो लाइनों में, भैया कैसे? कि उम्र ढलती बचपन की याद आती है, रोग बढ़ता है तो बरगद की याद आती है। अपने तो खुद ब खुद हो जाते हैं अपने, लाश रोती नहीं रोते ही जलाने वाले। कि भक्त बनो तो बनो विभीषण, और विश्वास कर प्रभु की प्रभुताई, हर दुष्ट बने तो रावण बन जा, जाने अपने संग सब कुल की मुक्ति कराई। दास बने तो तुलसी बन जा, और प्रेम करे तो मीरा भजन कर राम दुहाई। हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि भोले बाबा की शादी नहीं हुई, आज भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन जाते हैं और गौरा मैया को लेने के लिए चल देते हैं। कैसे? अरे दूल्हा बन के भोले बाबा, ए बाबा हर ये भंग का रंग जमाया, रंग जमाया। अरे दूल्हा बन के भोले बाबा और भंग का रंग जमाया, और गोरा पेट ना दिया पे गए, पेट ना दिया पे सब सलत तेरी yeah।
प्रसंग जहां छोड़ा था, आज रानी द्रौपदी राजा दंग से पूछ रही है कि आप अपने इस पवित्र शरीर को इस अग्नि के बीच में क्यों जला रहे हैं, इसका कारण बताइए। राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया। भैया, रानी द्रौपदी उस घोड़ी के पास में पहुंच गई। उस घोड़ी से पूछ रही है तो वो घोड़ी जवाब दे रही है, क्या क्या इंद्रलोक की अप्सरा, क्या इंद्रलोक की अप्सरा और रंभा मेरो नाम, अरे देव सभा में नाचना यही हमारा। एक बार रानी क्या हुआ कि सुरपत का दरबार लगा, क्या सुरपत का दरबार लगा और सब आसन देव विराज रहे और मैं अपनो नृत्य दिखाए रही वहां ढोल नगाड़े। सो नाचत नाचत दुर्भाषा पे और नामन परी हमारी और सब देव हसे दे। रानी इंद्र की सभा में नाच गाना चल रहा था, मेरी साड़ी का पल्लू दुर्भाषा ऋषि के सर से गुजर गया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। भैया कैसे,
बेटी वो मर जाए जो कुल दो उनको दाग लगावे, और भैया वो मर जाए जो भाई को ब्रह्मा ने बाबा से प्रार्थना करी तो एक उपाय बता दिया कि 3:30 वज्र को नभ में जो कोई के भाइये अरे छूटे श्राप बाद ना ठेरो जात न हो लड़ाई। सो ऐसी जंग जबई होगी और जब कहले तेग मुरारी और सब तेव हसे दे तब आज राजा दंग के पास में वापस रानी द्रौपदी आ जाती है और मराठी के माध्यम से क्या हुआ धन्यवाद। माला पहनाकर भगत जी ने हमारा सम्मान किया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। अरे जाके जाऊं पास छूट जाए और आस पड़े जब पाती और मन घूमे तीनों भयो ना कोई गोलियां।
हमारे इस भारत देश में शादी विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था, लेकिन इसमें भी एक अड़चन पैदा हो गई। वो अड़चन क्या? दहेज। सज्जनों, ऐसे मांग जांच हो रही है कि भैया मां को शनिवार आयो, 30 लाख लगाएगो, रिश्ता तो 30 लाख में होगा, आगे बात जब करिए जब जेब में पैसा हो। कहना क्या था पवित्र बंधन शादी का, था पवित्र बंधन शादी का, इसमें भी लग रही बोली है। घर घर में, घर घर में बेटा बारे सबकी मंडी सी, दंग की पूरी कहानी सुनकर दंग भूप से बोली है के दंग भूप से बोली रानी मन में काबू पा लियो, और जब तक लौट नहीं मैं आऊं तू पावक मती लगा दी। सो देख के बचन चली गई घर को, और वो पानी ले पनिहारी, और सब देव हसे दे हारी। आज कहां पांडवों के पास रानी द्रौपदी पहुंचाती है, धर्मराज के पास में चौक सुनेंगे साहब, सुबह का टाइम है। और कैसे है हाय बोली धर्म और बोली धर्म राज ते नारी, और जाने कथा सुनाई दई सारी बोली। सुबह का टाइम, देखिए। हाँ जी, ये 500 रुपए
डूंगर भगत जी डागोर साहब की तरफ से आए भी आओ और ये 500 रुपए कल्ला डागोर, कल्ला डागोर भैया की तरफ से आए। धन्यवाद। एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिसका नाम अगर हम आज भी ले लें तो अंदर तक रूह कांप जाती है सज्जन। उनका नाम था श्रवण कुमार। अपने मां बाप को कंधे पे कांटी रख के यात्रा के लिए निकल पड़े। अंधी अंधा को प्यास लगी, बोले बेटा तुमने हमारी जो सेवा की है इससे हमारा दिल भर गया है, शायद ही कोई बेटा अपने माँ बाप की इतनी सेवा करेगा, कृपया करके हमें जल पिला दो। उधर राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। राजा दशरथ ने सप्तपदी बाण छोड़ा और श्रवण को जाकर लगा। श्रवण जमीन पर हाय राम कहकर गिर पड़ा। सज्जनों, आज राजा दशरथ उस कमंडल को लेकर अंधी अंधा के पास में आ जाते हैं और कहने लगे आप ये जल पी लीजिए भैया। कैसे? हाय हमने यही प्रण की तेरा जल नहीं पीना है, हमने यही प्रण पीना है, जा तेरा जल नहीं पी। राजा दशरथ, तूने हमारे साथ अन्याय किया है। एक ही तो हमारा सहारा था, वो भी तूने छीन लिया। अरे बिन ज्योति के दोनों नैना इन नैनों का तारा था। अरे बिन ज्योति के दोनों नैना इन नैनों का अपना एक सहारा था। कोई नहीं है इस दुनिया में अपना एक सहारा था। है जीने की कोई आस नहीं ना, हार बचा कोई पास नहीं ना, है श्राप ये तुमको Oh।
राजा दशरथ कहने लगे कि अपराध जो मुझसे हुआ उसको याद एक